बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स मूव पाकिस्तान के नाज़रीन और सामीन, आप सबको खुश आमदीद। मेरे अकब में आप जो जगह देख रहे हैं यकीनन आप समझ तो गए होंगे, ये क्रिकेट स्टेडियम है और ये एक खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम एबटाबाद में यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है जो कि PCB जो है उसने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ की एबटाबाद की जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोकल जो टीम्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और सारी की सारी जो फाइनेंस है वो PCB ही अफोर्ड कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं वो एम्पायरिंग के फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं, अज़र तनोली साहब, तो उनसे मैं मिलने आया और वो कुछ दिनों से यहाँ पे एम्पायरिंग करवा भी रहे हैं। वो PCB के ऑथराइज्ड एम्पायर हैं, ऑथराइज कहेंगे या सर्टिफाइड कहेंगे, बेस्ट वर्ड इज़ सर्टिफाइड। सर्टिफाइड एम्पायर हैं, लेवल 2 की एम्पायरिंग की उन्होंने और वो यहाँ पर मैचेज़ करवा रहे हैं। और मेरा दिल चाहा कि मैं किसी दिन इनको मिलने के लिए यहाँ पे ज़रूर आऊँ, तो मैं आज यहाँ पे आया। इस वक्त यहाँ पे 2 टीम्स के माबेन मैच चल रहा है, एक सरदार शकील क्लब है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, और दूसरा जो है एबटाबाद स्पोर्ट्स क्लब है, इनके दरमियान मैच चल रहा है। ये 35 ओवर्स की इनिंग का मैच है, यानी टोटल जो टीम मैच खेलेंगी वो 70 ओवर्स का होगा। तो इस वक्त एबटाबाद स्पोर्ट्स के जो बैटिंग चल रही है और बड़ी अच्छी हिटिंग चल रही है। अच्छा, वीडियो बनाने का यहाँ पे मकसद मेरा ये था कि ये खूबसूरत सा ग्राउंड है, आप मेरे अकब में खूबसूरत वादियाँ भी देख रहे हैं और पहाड़ भी देख रहे हैं, एबटाबाद का कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ की स्टेडियम जो है वो कहा यह जाता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने सुना है कि इंग्लैंड की जो पिचेस हैं उसके नेमल बदल हैं, यानी यहाँ की प्रैक्टिस जो है वो इंग्लैंड की पिचेस के नेमल बदल हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। और अब हमारे पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है वो यहाँ पे अक्सर मैच की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आती है, एक एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है और यहाँ पे एक एनवायरनमेंट भी अच्छा है और स्टेडियम हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का स्टेडियम मेरे पीछे अब यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के हमारे नौजवान जो हैं वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो जो फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जिससे आजकल के नौजवान जो है वो मुतासर हो चुके हैं, जैसे एक एडिक्शन है PUBG टाइप की गेम्स, वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, एंड्रॉयड गेम्स, या फिर खुदा न खास्ता हमारे नौजवान जो है वो नशावर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें मुबतला हो जाते हैं क्योंकि उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हर जगह पे होनी चाहिए और इसको स्पॉन्सर करने वाले, सपोर्ट करने वाले इदारे भी यकीनन होने चाहिए। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे देखें कितना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है लेकिन कोई भी स्पॉन्सर यहाँ पे नहीं है, PCB की सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर मैनेजमेंट कर रही है सारी की सारी। हालाँकि यहाँ पर लोकल बहुत सारी जॉब्स कर रहे हैं लोग, इदारे हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपनी अपनी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स अगर एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते और एक माहौल क्रिएट कर रहे होते तो इन लोगों को और अप्रिसिएशन मिल रही होती, कोई ना कोई बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स मिल रहे होते, तो उनका यहाँ पे रोल आता है हमारी लोकल जो बिजनेसेस हैं और नेशनल लेवल के जो बिजनेस हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट्स को भी वो सपोर्ट करें, फाइनेंस करें ताकि इन प्लेयर्स को इंसेंटिव मिले और इनका रुझान इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, कंपेरेटिवली वो एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से ये अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ से जहनी अफजाइश हो रही है यहाँ पे और हेल्थ वाइज जो हैं ये लोग बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट बना हुआ है जिसको ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा जी कि मेरी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें कि क्या किया जाए कि हमारी जो लोकल क्रिकेट है उसको प्रमोट करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएँ, क्या अमल होने चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बिजनेसेस हैं, उनको भी इनको सपोर्ट करने के लिए आगे आना चाहिए, कदम आना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये वीलॉग देखा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।